राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान सरकार द्वारा भीलवाड़ा के गुलाबपुर इलाके में आयोजित शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान के शहीदों को कांग्रेस अध्यक्ष ने याद किया और समारोह के अंतर्गत हुए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों द्वारा करवाए गए कार्यों की भी चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे बड़े खुशी हुई है कि राजस्थान ये देश में ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे सबसे बड़ा राज्य में हमारे किसान भी उतने ही मेहनती है और राजस्थान ये शौर्य के लिए देश के हिफाजत के लिए लड़ने वाले हमारे बहादुर सभी लोग यहाँ है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विशाल सम्मेलन किसानों का पहली बार हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। दोस्तों, ये 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट और दूसरी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 223 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। हमें विश्वास है कि ये सब योजनाएं समय पर पूरा करने और इनका लोकार्पण करने के लिए आप दोबारा कांग्रेस सरकार को फिर से राजस्थान में लाएंगे। ये राजस्थान महान हस्तियों का देश है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप हो, भामाशाह हो, सभी इस धरती पे जन्म लेकर अपना पराक्रम दिखाए हैं और देश के रक्षा के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी भी की है। भीलवाड़ा के विकास में कांग्रेस का भी योगदान है। जब यहाँ तो एक तो टेक्सटाइल वर्कर्स का और टेक्सटाइल काम का बहुत बड़ा देन है देश को। यहाँ पर मुझे याद है जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, उस वक्त मुझे यहाँ पर बुलाया गया था कि मेमो ट्रेन का एक फैक्ट्री बनाने के लिए। मैं और श्रीमती सोनिया जी यहाँ पर आए थे और उसका बुनियाद हमने डाल के गया था। आपका चंबल घाटी प्रयोजन, इंदिरा गांधी नहर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मेजाबान, एम्स जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, इतने लंबे लिस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जब थी कांग्रेस की, ये सब देन किसकी है? हमारी है। तो आने वाले कोई लीडर बार बार आपको पूछे आप क्या करें, तो ऐसे लिस्ट बताओ उनके मीटिंग में, ये क्या तुमने बनाया? आज क्योंकि पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजस्थान की धरती पर आए हैं, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान भर के कांग्रेसजनों की ओर से और मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि खड़गे साहब करीब 60 साल उन्हें आए इनको राजनीति के अंदर, मैं तो 50 साल की बात करता हूँ आपसे, मुझसे ज्यादा सीनियर ये हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव ये हैं, जमाना देखा इन्होंने, कई उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं बार बार कहता हूँ अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। एक अनुभवी व्यक्तित्व का धनी आज हमारे बीच में आए हैं।
मैं गलती कह सकता हूँ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, सोशल सिक्योरिटी, तमाम तरीके से गुड गवर्नेंस दी गई है। इसलिए आज हर आदमी जवान पर है, सरकार रिपीट हो सकती, राजस्थान की रिपीट होगी, ये आज भावना सबकी है। इसलिए आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो और 4 यात्रा निकल रही है बीजेपी की, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तमाम यात्राएं फ्लॉप हो रही है, ये आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे कहने का आवश्यकता नहीं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं, आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।